युद्ध स्थल पर सबसे जरूरी क्या होता है एक सैनिक के लिए? उसके पास जो मौजूदा हथियार है, हथियारों के साथ साथ बचने की क्षमता, जो सामने से गोलीबारी हो रही है उसमें बचने की क्षमता, उसमें उसके हेलमेट्स, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स में जो प्लेट लगती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो किसी भी गोली को जो है उसके सीने से जाने से पहले उसे रोक लेती है। ऐसे में सबसे जरूरी है जानना कि आखिर सबसे बेस्ट जो है भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट, या कह लें कि बुलेट जो प्लेट है वो कौन सी है। तो इसका जवाब ही हम जानने के लिए पहुंचे हैं डिफेंस एक्सपो 2022 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुजीत कुमार, जो कि SMPP के जनरल मैनेजर हैं। सर, सबसे बेस्ट बुलेट जैकेट जो कि लोग जानना चाहते हैं वो कौन सी है? देखिए, वैसे तो ये बेस्ट कहने का तात्पर्य जो बुलेट प्रूफ जैकेट के सेंस में आता है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, उसको कैसी प्रोटेक्शन चाहिए। बट अगर आप कहेंगे कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन क्या मिलती है इसमें, क्या ऐसा है जो उसको पहन लिया जाए तो अमूमन जो रेगुलर यूज़ की जितनी भी गोलियां हैं वो सब रुक जाएंगी, तो वो इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो BIS की एक लेवल डिसाइड की गई है, और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें BIS लेवल 6 बोलते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम थ्रेट वाली जो एमिनेशन है वो है 7.62x54 B32 API, जो कि एक रशियन एमिनेशन है और एक आर्मर पियर्सिंग एमिनेशन है। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्लेट्स बनाई जाती हैं और जो जैकेट में हम डालते हैं वो एक मैक्सिमम प्रोटेक्शन है जो हमें मिलती है इस वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट में, और मेरी समझ से दुनिया में यही मैक्सिमम लेवल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में दी जाती है, और ये हम इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं काफ़ी समय से। आप लोग उस लेवल की क्वालिटी मैच करा रहे हैं इंडिया में? मैं कहूँगा इंडिया में जो प्लेट्स यूज़ हो रही हैं इस वक्त BIS लेवल 6 की, वो शायद दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटों में से एक होगा, मे बी उससे बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ दुनिया में ना कई बार जब लेवल 4 इंटरनेशनली उसको लेवल 4 बोलते हैं, NIG लेवल 4, तो उसमें दो शॉट की बात करते हैं। यहाँ इंडिया में उन प्लेट को 6-6 शॉट से टेस्ट किया जाता है, तो आप समझिए कि कोई प्लेट जो 1-2 शॉट रोके, और यहाँ पर जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो 6 शॉट से रोकने के लिए टेस्ट किया है। 6 शॉट टेस्ट ही नहीं किया है, सप्लाई की जा चुकी है और फोर्स यूज कर रही है। बिल्कुल, कौन सी प्लेट दिखाएंगे आप हमें? यहाँ पर आप देखेंगे ये BIS लेवल 6 की प्लेट है, और ये हमने बल्कि डिस्प्ले किया हुआ है एक फायर्ड प्लेट को। इसमें देखेंगे आप कि कितने बड़े होल्स हो जाते हैं, इतनी पावरफुल एमिनेशन होती हैं ये, और इसको ये देखेंगे इसको इस तरह से, मतलब कहीं से भी कोई पेनिट्रेशन नहीं हुई है, और सारी गोलियां टूट करके इसमें कैच हो जाती है, तो शोल्डर को प्रोटेक्शन मिल जाती है फुल। ये वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की कह सकते हैं वो प्लेट है जिसने जो स्टैंडर्ड जो बुलेट है उसको रोक लिया। सोल्जर को इसमें यह भी इंश्योर किया जाता है कि उनको इंजरी भी कम से कम हो, तो जो इंटरनेशनल लेवल के जो इंजरी के जो नॉर्म्स हैं उससे भी कम लेवल के इंजरी के नॉर्म्स हमने इंडिया में गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन में रखा गया है, तो वो हम मीट करते हैं, और बखूबी उस हिसाब से सप्लाईज जा रही है। आपने सुना कि किस तरीके से भारत में, यानी स्वदेशी तौर पर ऐसी चीज़ें अब बनाई जा रही हैं, और इनकी जो खासियत है वो इतनी अच्छी है, या इनकी खूबियों की बात करें तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी जो है वहाँ उससे भी बेहतर हैं, और अब ये जो प्लेट्स हैं वो भारत की सेनाएं जो है इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से अब भारत जो है बदल रहा है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। Protecting those who protect us.